हमेशा जो भारत के कप्तान होते हैं उनका कंपैरिजन एमएस धोनी से किया जाता है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे इंडियन सफल कप्तान जो है वो एमएस धोनी है। उनका कंपेयर कभी विराट कोहली से किया जाता है, कभी रोहित शर्मा से किया जाता है, तो कभी कपिल देव से किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि रवि शास्त्री जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व हेड कोच भी रह चुके हैं, उनसे ये जब सवाल पूछा गया कि एमएस धोनी और रोहित शर्मा में से बेस्ट कैप्टन कौन है, तो रवि शास्त्री ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है। अगर उनकी स्टेटमेंट पे नजर डालें तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि रोहित कुशल रणनीतिकार है, वो धोनी के साथ सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक होगा। अगर आप मुझसे पूछें कि बेहतर कौन है तो मैं कहूंगा कि सफेद गेंद के प्रारूप में दोनों समकक्ष हैं। रोहित के लिए ये बड़ी तारीफ है क्योंकि सभी को पता है कि धोनी ने क्या किया है। रोहित भी बहुत पीछे नहीं है और T20 विश्व कप में उसने शानदार कप्तानी की। बल्लेबाजी की बात करें तो सफेद गेंद के प्रारूप में वो दिग्गज है, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, किसी भी दौर की सफेद गेंद की टीम में उसकी जगह होगी। विराट कोहली से तुलना करें तो कोहली कौशल का महारथी और रोहित विस्फोटक बल्लेबाज है। वो दुनिया के किसी भी मैदान में छक्के लगा सकता है, स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों की बखिया उधेड़ सकता है। तो यहाँ पर रवि शास्त्री ने एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा तीनों ही कप्तानों का कंपैरिजन कर दिया है और एज अ प्लेयर भी कंपेयर किया है कि अगर रोहित शर्मा व्हाइट बॉल फॉर्मेट में यानी कि T20 और ODI में खेलते हैं तो उनकी जगह बनती ही बनती है। और धोनी की बात करें तो धोनी के कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 ICC की ट्रॉफी जीती है, जिसमें 2007 का T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आती है, 2011 की ODI वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आती है और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है। और वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला है टीम इंडिया ने और जीता भी है, और वहीं WTC का 2 बार फाइनल भी खेला है रोहित शर्मा की कप्तानी में, और ODI वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला है लेकिन जीत नहीं पाए थे, वो अलग बात है। लेकिन 2024 का T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो था वो टीम इंडिया ने अपने नाम जरूर किया है। विराट कोहली की कप्तानी पे आए तो विराट कोहली की कप्तानी में नॉकआउट मुकाबलों तक टीम इंडिया जरूर पहुंचती थी लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ पाती थी, कभी फाइनल में जाके हार जाती थी तो कभी सेमीफाइनल में जाके हार जाती थी। विराट कोहली चाहे प्रदर्शन करे चाहे प्रदर्शन ना करे लेकिन टीम इंडिया का अंजाम वही सेम होता था, आगे नहीं बढ़ पाती थी टीम इंडिया। इस वजह से विराट कोहली को ऐसे फील्ड कैप्टन भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी क्रिकेटर की पर्सनल रिव्यू पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि विराट कोहली बहुत अच्छे कप्तान है, स्पेशली टेस्ट में अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे, कप्तानी में अगर आप टेस्ट के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और एक जो टीम में एग्रेसिव जज्बा लेकर आते हैं विराट कोहली, उनकी बात ही बहुत अलग होती है। बाकी आप रवि शास्त्री के इस स्टेटमेंट से कितने ज्यादा सहमत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।